गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अ वेरी वॉम वेलकम इन माई साइंस क्लास इन अवर प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड लीव वैनेशन टूडे वी विल स्टडी द फंक्शंस ऑफ लीफ एंड टाइप्स ऑफ रूट्स ओके सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ लीफ यू नो ऑल दैट दैट इज ट्रांसपीरेशन एंड द सेकेंड इज फोटोसिंथेसिस बच्चों पत्तियों का क्या काम होता है दो काम होता है मेनली कि वो एक तो वो पौधे के लिए खाना बनाती हैं खाना बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं द फूड प्रोसेस ऑफ प्लाट्स ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस किसके प्रेजेंस में होता है सनलाइट के प्रेजेंस में करता कौन है जो पत्तियों में प्रेजेंट पत्तियां करती हैं किसके प्रेजेंस में अपने क्लोरोफिल के प्रेजेंस में उन ग्रीन पत्तियाँ ही क्यों क्यों कर पाती हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है जिसको हम लोग ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं और क्या होता है जब पत्तियाँ फोटो करती हैं तो, तो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती हैं सॉरी वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं एटमॉस्फेयर से और वाटर uh, लेती हैं सॉयल से और इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ uh, करके वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में इसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज ठीक है और इसी को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस ठीक है तो एक फंक्शन तो पत्तियों का ये हो गया दूसरा फंक्शन क्या होता है प्लांट को हम लोग पानी देते हैं पानी कहाँ देते हैं उसकी जड़ों में देते हैं लेकिन कई बार हम बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं एक्सेस पानी देते हैं है। या जब पानी एक्सेस होता है प्लांट के पास तो प्लांट भी एक्सक्रीशन करता है मतलब उस पानी को एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करता है कैसे करता है थ्रू स्टोमेटा स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं उसके लीफ के लोअर पोर्स पे ही पाए लोअर सरफेस पे पाया जाता है ठीक है तो लीफ के जो लोअर सरफेस पे छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं ना उनको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा तो प्लांट के अंदर जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है दैट इज़ रिमूव्ड थ्रू स्टोमेटा एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन तो पत्तियों का यही दो फंक्शन है ट्रांसपीरेशन और फोटोसिंथेसिस तो so, अभी हम लोग यही दोनों लिखेंगे सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे फंक्शंस ऑफ लीफ क्या हेडिंग डालेंगे फंक्शंस ऑफ लीव्स और उसमें आप पहला फंक्शन क्या लिखेंगे ट्रांसपीरेशन ये हेडिंग डालेंगे और आप इसमें लिखेंगे वॉटर कम्स आउट ऑफ द लीवस इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाई ए प्रोसेस कॉल्ड प्लांट रिलीजेजर इन टू द एय थ्रू दिसन हेडिंग डाल करके फर्स्ट सेकेंड हेडिंग आप क्या डालेंगे फोटो सिंथेसिस उसमें कहां से लिखेंगे आप हेडिंग होगी आपकी सेकेंड नंबर फोटो सिंथेसिस आप कहां से लिखोगे दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाईऑक्साइड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसेंथेसिस ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस एंड द फूड प्रिपेयर बाई लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तो लीव्स के दो फंक्शन हो गए क्या क्या ट्रांसपीरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों की डेफिनेशन हमने लिख ली अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे रूट के बारे में लिखेंगे रूट हम लोग जानते हैं रूट वो पार्ट है प्लांट का जो उसको होल्ड करके रखता है सॉयल में अगर रूट ना हो तो प्लांट जो है वो सॉयल में फर्मली रह नहीं पाएगा है ना और रूट क्या करता है रूट जो है वो प्लांट के लिए वाटर और मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब करता है तो रूट के हमारे यही दो फंक्शंस हो गए ठीक है ये फंक्शंस आप कहां से लिखेंगे एक फंक्शन तो आपको यहां दिख रहा है पहला फंक्शन आप यहाँ लिखेंगे रूट्स आप हेडिंग डाल लेंगे ठीक है रूट्स हेडिंग डालने के बाद आप उसमें नंबर वन ये लिखेंगे रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फॉर्मली टू द सॉयल दे एंकर द प्लांट टू द सॉयल एक तो ये हो गया दूसरा हम लोग लिखेंगे ये शायद दूसरे पेज पे लिखेगा दिखेगा मुझे एक मिनट यहां तो टाइप्स ऑफ रूट आ गया मुझे लगता है अच्छा मैं इसको लिख देती हूँ सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे इसमें सेकेंड पॉइंट लिखेंगे रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द दॉय ठीक है तो रूट्स के बारे में नंबर वन नंबर टू ये फंक्शंस ही हैं रूट के तो आप ये दो फंक्शंस लिखेंगे नंबर वन मैंने आपको बताया यहाँ से लिखेंगे रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉयल द एंकर द प्लांट टू द सॉयल और दूसरा फंक्शन लिखेंगे रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉयल तो ये दो हमारे फंक्शंस हो गए इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे टाइप्स ऑफ रूट देखेंगे ठीक है टाइप्स ऑफ रूट दो तरह की होती है एक टैप रूट एक फाइब्रस रूट बच्चों आपने कभी घास को खड़ा होगा तो उसकी रूट्स देखी होगी आपने घास की रूट बिल्कुल इस तरीके की होती है ना ये दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट मतलब कोई उसमें मेन रूट नहीं होती सिर्फ ढेर सारी जैसे रूट्स का जाल आपको दिखाई देता है ना दिस इज कॉल्ड फाइब्रस रूट ये हमेशा उन प्लांट्स में पाया जाएगा जिनके लीफ का वैनेशन क्या होता है पैरेलल तो जहाँ भी आपको पैरेलल वैनेशन दिखाई दे आप समझ जाना कि इसकी रूट कौन सी होगी फाइब्रस रूट ठीक है ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और जहाँ भी लीफ का वैनेशन आपको रेटिकुलेट दिखाई दे वहाँ पे आप समझ जाना कि प्लांट की जो रूट होगी वो कौन सी होगी टैप रूट टैप रूट में क्या होता है एक बड़ी मेन रूट होती है और उसके चारों तरफ छोटी-छोटी रूट्स होती हैं जिनको हम लोग लैटरल रूट्स कहते हैं ठीक है तो रूट हमारी कितने तरह की हो गई दो तरह की टैप रूट और फाइब्रस रूट अब इसको लिखेंगे कैसे मैं बताती हूँ आपको आप लिखेंगे हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ रूट ठीक है उसमें नंबर 1 लिखेंगे टैप रूट और नंबर 2 क्या लिखेंगे फाइब्रस रूट ठीक है और फिर उसके बाद आप ये दोनों डाइग्राम बना लेंगे फिगर नंबर सेवन पॉइंट वन सेवन का ए और बी और यहाँ पर आपको जो मैंने जैसे मैंने इसको लिखा है ना कि इसमें लीव का मेनेशन पैरल है इसमें लीव का मेनेशन रेटिकुलेट है ये भी बात आप लिखेंगे तो आप सभी मुझे जल्दी जल्दी इतना लिख के दिखाइए आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच टू मॉर वी विल स्टडी फ्लावर थैंक यू